तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप CSS की प्रॉपर्टी वाइट स्पेस के बारे में सीखेंगे। वाइट स्पेस है, इसके अंदर हमारे पास पांच वैल्यूज़ हैं, नॉर्मल, नोरैप, प्री, प्री लाइन, प्री रैप। तो इसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि वाइट स्पेस एक्चुअली यूज़ कैसे होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा है हमारे पास एक डिव है और उसकी हमने विड्थ दे रखी है 200 पिक्सल, और इसके अंदर एक डमी पैराग्राफ भी हमने डाला हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम वाइट स्पेस नॉर्मल लेते हैं तो एक्चुअल में ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, आप दो ना दो एक ही बात है। तो इसमें क्या है कि आपको दिख रहा है कि पैराग्राफ एज यूजुअल ही काम कर रहा है कि यहाँ पर लाइन ख़त्म हुई तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर रैप हो रहा है एक्चुअल में पूरा टेक्स्ट, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल वैल्यू है। अगर हम इसमें इसकी प्रॉपर्टी जो वैल्यू है नो रैप यूज़ करते हैं तो एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। नो रैप में पूरी की पूरी लाइन एक ही लाइन में आ जाएगी, ठीक है, और ओवरफ्लो कर गई। आप इस ओवरफ्लो वाली लाइन को हटा भी सकते हैं ओवरफ्लो हिडन करके, ठीक है। तो ये एक्चुअली हम यूज़ क्यों करते हैं नो रैप, एक्चुअल में कई बार डिज़ाइन में कुछ ऐसी डिमांड होती है कि हमने एक ही लाइन में सब कुछ दिखाना है, ठीक है, और उससे आगे नहीं दिखाना है, बस इतनी ही जगह में दिखाना है, ठीक है। तो उस केस में हम ये वाइट स्पेस नो रैप यूज़ करते हैं। इसकी एक और वैल्यू है प्री। प्री और नो रैप लगभग दिखने में सेम होते हैं, मगर इसकी दो चीज़ें हैं कि दिखने में तो सेम होते हैं मगर जो प्री है, आपको प्री टैग, अगर आपको मालूम है HTML में एक प्री टैग होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं HTML के प्लेलिस्ट में जाके प्री टैग के बारे में। तो प्री टैग की तरह ही काम करता है, अगर हम इसमें जितनी वाइट स्पेस देंगे उतनी ही लेगा, जितने एंटर मारेंगे उतने ही लेगा, बिल्कुल प्री टैग की तरह भी काम करता है। और इसमें नो रैप भी वर्क करता है, अगर आप एक लाइन में दिखाना चाहते हैं वो बिल्कुल एक लाइन में भी आ जाएगा। इसमें जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं प्री टैग के साथ ही हमने यहाँ पर एक डिव लिया और उसमें तीन लाइंस ली हैं और तीनों के बाद एंटर मारा, यहाँ हमने ब्रेक नहीं लगाया, ब्रेक नहीं लगाया तब भी ये बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है ऐसे ही, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू दी है प्री, बिल्कुल प्री टैग की तरह ही काम कर रहा है ये। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने इन दो वर्ड्स के बीच में बहुत सारी एक्स्ट्रा स्पेस दे दी है, ठीक है। वैसे HTML इस स्पेस को नहीं लेता, मगर हमने ऐसे प्री दिया है तो प्री की तरह काम कर रहा है। ये जो स्पेसेस हैं, जितनी स्पेस इधर दी है उतनी ही स्पेस इधर भी ले रहा है, तो ये प्री टैग की खासियत है, ये बिल्कुल प्री टैग की तरह ही काम करता है। अब हम करते हैं बात प्री लाइन की। प्री लाइन क्या है, ये होता तो प्री टैग की तरह ही है, जैसे आपने जहाँ एंटर मारे हैं वहाँ पर बिल्कुल वैसे ही ले रहा है, मगर ये एक स्पेस से ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, ये सिर्फ सिंगल स्पेस ही काउंट करता है। यही वाइट स्पेस प्री और प्री लाइन में डिफरेंस है, बस इन दोनों में यही डिफरेंस है कि ये सिंगल स्पेस लेता है और प्री टैग मल्टीपल स्पेसेस भी ले लेता है। अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट वैल्यू जिसका नाम है प्री रैप। अगर हम प्री रैप देते हैं ये बिल्कुल प्री टैग की तरह ही काम करता है। ये देखिए, यहाँ वाइट स्पेस ली तो वाइट स्पेस यहाँ पर भी आ गई, यहाँ एंटर मारा वहाँ पर एंटर भी आ गया, मगर इसमें नो रैप वर्क नहीं करता है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है कि इस पे नो रैप वर्क नहीं करता है, कि आप एक ही लाइन में सब दिखाना चाहते हैं वो नहीं काम करेगा इसमें, क्योंकि जैसे इसे डिव मिलेगा वहाँ पर वो लाइन ब्रेक हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ऐसे आ जाएगा। तो देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है वाइट स्पेस को। तो यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस में हमने अपना एक HTML का डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया है और इसमें टाइटल में दे दिया वाइट स्पेस, एक हेडिंग है और एक हमारे पास डिव है जिस पर आईडी लगा हुआ है बॉक्स, और इसमें एक डमी पैराग्राफ है। तो इसमें अभी हम CSS पहले इस सेलेक्टर की कर लेते हैं आईडी बॉक्स की, और यहाँ पर इसको एक विड्थ दे देते हैं और एक बॉर्डर दे देते हैं। तो मैंने इसको एक विड्थ दे दी जैसे कि 300 पिक्सल, ठीक है, और इस पे बॉर्डर लगा दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। इस फाइल को मैंने सेव कर लिया और यहाँ सेव करते समय मैंने इसको एक नाम दे दिया वाइट स्पेस डॉट HTML, ठीक है। ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है, पहले हम इसे देख लेते हैं कि एक्चुअल में दिख कैसे रहा है ये। ये देखिए, यहाँ पर ये वाइट स्पेस अभी हमने इसमें यूज़ नहीं किया, तो नॉर्मली टेक्स्ट रैप होता है, ऐसे रैप हो रहा है। और अब हम इसमें पहले हम डी वैल्यू देते हैं जिसका नाम है नो रैप। तो यहाँ पर मैं गया और मैंने कहा वाइट स्पेस नो रैप,
सेव की फाइल को और अपने ब्राउज़र में आके मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब ये देखिए, ये यहाँ पर जो टेक्स्ट है विड्थ इतनी ही रही और इससे टेक्स्ट ओवरफ्लो कर गया और एक ही लाइन में आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, हमने एक लाइन में दिया हुआ था, चाहे एक लाइन में ना भी दें, देखिए नेक्स्ट लाइन में दे दिया तब भी ये एक ही लाइन में ही दिखेगा। ये देखिए, चाहे मैं इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा स्पेस डाल दूँ तब भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नो रैप है। ठीक है, तो ये जो डाटा ओवरफ्लो कर गया इसको तो हम ओवरफ्लो हिडन करके हटा सकते हैं, जैसे मैंने कहा ओवरफ्लो हिडन, सेव किया। ये देखिए, ऐसे तो मैं हटा सकता हूँ मगर आपको नो रैप के बारे में पता लगेगा। अभी मैं इसे हटा देता हूँ हिडन को। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू देता हूँ प्री, प्री मतलब ये बिल्कुल प्री टैग की तरह ही काम करेगा, जो इसमें वाइट स्पेस हमने इतनी सारी दी है बिल्कुल एज इट इज़ लेगा, जहाँ एंटर मारा वहाँ एंटर लेगा। ठीक है, अभी यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर स्पेस आ रही है, ठीक है, यहाँ एंटर मारा वहाँ एंटर आ रहा है, यहाँ से इतनी स्पेस आ रही है। अभी मैं ये स्पेस बिल्कुल हटा देता हूँ, ये देखिए, ये मैंने सारी स्पेस हटा दी शुरुआत में, और मैं इधर आके पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस आ रही थी वो आ रही है, जहाँ एंटर मारा था बिल्कुल वही एंटर आ रहा है। ठीक है, तो ये है प्री। अगर मैं इसमें बिल्कुल नो रैप भी बिल्कुल वर्क करता है, अगर ये देखिए मैं यहाँ से एक्स्ट्रा वाइट स्पेस हटा दी और इस सबको एक ही लाइन में पहले की तरह कर देता हूँ, ये देखिए सेव किया, और इसमें नो रैप वाली फंक्शनैलिटी भी बिल्कुल काम कर रही है। आपको दिख रहा होगा एक लाइन में किया तो नो रैप की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये प्री टैग है, जैसे इसमें दिखेगा हम एचटीएमएल में करेंगे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास तीसरी वैल्यू आती है उसका नाम है प्री लाइन। प्री और प्री लाइन में एक डिफरेंस है कि इसमें नो रैप वर्क नहीं करता है और ये सिंगल स्पेस ही लेता है। ठीक है, एक से ज़्यादा स्पेस नहीं लेता जैसे प्री टैग में हो जाता था प्री में, ठीक है, वो नहीं होता। अभी मैं इसमें करूँगा तो देखिए नो रैप वर्क नहीं करेगा। मैं यहाँ आया, पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए नो रैप वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, मगर अगर मैं इसमें यहाँ पर एंटर्स लगा दूँ, जहाँ जहाँ मैं एंटर दे रहा हूँ प्री टैग की तरह, वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। ये देखिए यहाँ पर ये प्री टैग की तरह ही काम कर रहा है मगर इसमें नो रैप वर्क नहीं करता है। ठीक है, और इसमें एक से ज़्यादा स्पेस भी नहीं आती हैं जैसे प्री में आ जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी स्पेस डाल दी, सेव किया फाइल को, पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ स्पेस नहीं आ रही है, जबकि अगर ये काम मैं प्री में करता तो यहाँ पर ये सब बिल्कुल एज इट इज़ काम कर रहा होता। ठीक है, प्रॉपर एंटर काम कर रहे होते प्रॉपर ये। ठीक है, मगर प्री लाइन में यही डिफरेंस होता है, ये एक्स्ट्रा वाइट स्पेस नहीं लेता है, सिंगल वाइट स्पेस ही लेता है और एंटर काम करता है मगर इसमें नो रैप वर्क नहीं करता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे लाइन ख़त्म हुई तो ये यहाँ पर रैप हो गया ऑटोमेटिक, उसके बाद बिल्कुल प्री की तरह काम करने लग गया। ठीक है, ये है प्री और प्री लाइन में डिफरेंस। अब हमारे पास अब जो लास्ट वैल्यू है उसका नाम है प्री रैप। प्री और प्री रैप में एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस, वो यही है कि ये इसमें नो रैप वर्क नहीं करता है, बिल्कुल एज इट इज़ काम करता है उसी की तरह प्री की तरह ही। अभी देखिए जो मैंने इसमें एक्स्ट्रा स्पेस लिए वो भी लेगा, जहाँ एंटर मारे हैं वो भी काम करेंगे मगर इसमें बस नो रैप वर्क नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पर नो रैप वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये इसमें जो था मैंने आपको सारी वैल्यूज़ बता दी। एक इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, वो होती है नॉर्मल, नॉर्मल इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, अगर आप दें ना दें वो एक ही बात है। ठीक है, ये देखिए ये नॉर्मली जैसे इसके बिना भी अगर आप काम करेंगे तो ये बिल्कुल एज इट इज़ ही दिखेगा। ठीक है, तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है नॉर्मल, बाकी आप इसमें जो मेन वैल्यूज़ हैं नो रैप, प्री, प्री लाइन और प्री रैप यूज़ करके देख सकते हैं। थैंक यू हमारा वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।